भाई देखो कालू। ओ कालू, अबे कालिया, काली सकल के कहाँ जा रहा है? यहाँ रुक। ओ कालू को गुस्सा आ रहा है। प्रशांत भाई देखियो, इसके जैसे जूते हैं मेरे काले। बे प्रशांत भाई, इसके जैसे तो हमारे यहाँ काला कुत्ता बन रहा है। है बे, क्या बोल रहे? काला किसे कह रहा है? अबे हमसे फालतू बोलता है, मारो साले को। चलो चलो निकलो यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे कुछ करना होगा। इस तदैये पे मैं अपना एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, अगर पूरा हो गया तो इस तदैये को बाद में तब्दील कर दूंगा, फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे कालू क्या हुआ? साहब मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान आ गया हूँ, मुझे कोई ऐसी दवा बताओ जिससे मैं गोरा हो जाऊं और लोग मुझे ताने मारने बंद कर दें और कालू कालू ना कहे मैं। कालू, जो तुझे भगवान ने रंग दिया है उस पे जीना सीख, दुनिया का क्या, दुनिया तो ताने मारती है। डॉक्टर साहब मैं जिंदगी से बहुत परेशान आ गया हूँ, मुझे गाँव वाले ताना मार के सुनाते हैं कि तू काला है कालू है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकता, या तो आप मुझे कोई दवा बता दो नहीं तो मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। रुको कालू, यहाँ आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक दवा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। तुम गोरे तो हो सकते हो, लेकिन वो दवाई रिएक्शन कर गई ना तो तुम रूप भी बदल सकते हो। डॉक्टर साहब वो मुझे दवाई दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मैं तैयार हूँ। एक मिनट रुको, ये लो ये इंजेक्शन, ऐसी जगह लगाना जहाँ कोई आता जाता ना हो, और गलती से भी इसकी एक बूंद जमीन पे गिर गई ना तो अपना ये असर उल्टा दिखाना स्टार्ट कर देगी। ये लो। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मैं लगा सकता हूँ इंजेक्शन। अब मैं गोरा हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है, मुझे शरीर में इतनी आग क्यों निकल रही है? Whoa!
राजीव कितने अच्छे आ गई, मत दो ये यार। यार खाली आई है। भाई बस्ती वालों, गांव में इतनी हत्याएं हो रही हैं और अत्याचार हो रहे हैं, इनके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा ना। सरपंच जी करो इसका कुछ ना कुछ, एक्शन लेना पड़ेगा ना। जी सरपंच जी एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो सरपंच जी, कब एक्शन लेंगे हम? क्या सरपंच जी, क्या हम हाथ पर ऐसे ही हाथ रख के बैठे रहेंगे क्या? अरे सरपंच जी ऐसे तो हमारे गाँव की नस्लें तक खत्म हो जाएंगी। वो राक्षस एक एक करके सभी बच्चों को मारे जा रहा है, कल भी उसने दो बच्चे मारे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? बेटे ये तो आप सही कह रहे हो, इसकी चिंता तो सभी को हो रही है, लेकिन हम उस राक्षस को कर क्या सकते हैं? सरपंच जी ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, हमें भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डर लग रहा है, कहीं हमारे बच्चों को ना उठा कर ले जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी कब ठीक होगा? अरे हमारे घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सरपंच जी हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे। पुनीत अब हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा, चल मेरे साथ। उधर जाकर देखो। इधर कुछ नहीं है। दिखा पुनीत कुछ नहीं। सोएब उधर कुछ नहीं है। यार ऐसे कैसे होगा, ये तो मिल ही नहीं रहा है साला। सही कह रहा है सोहेब, मुझे किसी ने बताया था वो रात को 9 बजे बिटोड़ों में आता है। आज रात को 9 बजे उसको उन्हीं बिटोड़े में जाकर पकड़ते हैं। यार अनुज ये राक्षस साला मिल ही नहीं रहा है यार, क्या करें यार? क्या करें भाई? भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक ऐसी चक्कर काटते रहेंगे? यार इसने पूरे गांव में आतंक काटा हुआ है। सोहेब भाई मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ध्यान से जाना कहीं वो राक्षस ना मिल जाए। ठीक है। पत्ते गैर। सोहेब मैंने उस शैतान को टॉयलेट करते वक्त वहीं पर देखा, तो जल्दी चल तू पुनीत रुक। उस शैतान को हम यहाँ पर नहीं पूरे गांव के सामने मारेंगे, ताकि पूरे गांव को पता चल जाए वो शैतान है और गांव वालों को हमारे ऊपर विश्वास हो जाए। चलो गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। काट
छुपा उसे जान को जला देंगे, मारेंगे, जला देंगे उसको। पिछोड़े की तरफ छुपा आप लगा चलो, कान में ढूंढ के मारेंगे। पिछोड़े की तरफ कुछ देखो, चलो 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 यार। पुनीत बड़ा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। हाँ यार ये तो है, गांव में भी मन नहीं लग रहा, अजीब सा हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंता ना मुझे करियर की है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मूड खराब हो रहा है। हाँ यार सही कह रहा है, बहुत टेंशन है लाइफ में, दिमाग उलझा हुआ सा रहता है, समझ नहीं आ रहा। अरे मर्डर हो गया पुनीत, साला मर्डर हो गया हमारे गांव में। चल 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 चल। अरे ये तो रघुवीर का लड़का है। हाँ हाँ भाई, हाँ ये उन्हीं का है। पता नहीं किसने मारा इसे, किडनी भी निकाल ली इसकी। सुहेब ये क्या होता जा रहा है गांव में, अभी पीछे दो मर्डर हुए थे और अब ये। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है पुनीत, बस बहुत हो गया है, अब हमें पुलिस में जाकर कंप्लेन करनी होगी। चलो इसकी लाश उठाओ, चलो संभल कर उठाना आराम से, चल चल जल्दी जल्दी। वंशिका पथवारों में फिर होगी मौत, तुझे पता वहाँ डरे डरे फिर रहे सब। हाँ पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे गांव में, हर दसवें दिन मौत हो रही है। अब तो भगवान ही रक्षा करेगा हमारे गांव की, पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। यार पुनीत गांव में कोई दिख नहीं रहा है। हाँ यार यहाँ तो आसपास कोई नजर ही नहीं आ रहा है यार, अजीब बात है, सब लोग डरे हुए हैं मुझे लगता है। देख देख राम प्रकाश। अरे राम प्रकाश पुलिस थाने चल रहा है भाई। नहीं भैया मैं नहीं जा रहा। ठीक है, साइकिल भी यार ऐसा ही हो रही है, कहीं टूट टाट ना जा। संदीप वहां चला मत, जो भी टोड़क दो रहा, हत्या हो रही बहुत।
मैं नहीं जाने का मम्मी, मुझे अपनी जान थोड़ी ना देनी है। इधर से भाई, इधर से। दरोगा साहब, ये गांव में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कातिल कौन है। आखिर आप सब कब एक्शन लोगे सर? एक्शन हम जरूर लेंगे, उसी की तहकीकात में लगे हैं हम सब लोग। सर लेकिन काफी टाइम हो गया है, हमारे गांव के कितने लोग मर गए हैं, और वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप ये भी नहीं समझ पा रहे, हम कैसे अपने दिल को तसल्ली दें? हमने पूरी तहकीकात करके रखी हुई है, जल्द से जल्द कातिल हमारे हाथ में होगा। दरोगा साहब, अब तक 31 हत्याएं हो चुकी है और आप कह रहे हो कातिल जल्द से जल्द हमारे हाथों में होगा? जितना तुम दुखी हो उससे कहीं ज्यादा हम परेशान हैं। कातिल हमारी गिरफ्त में बस आने वाला है, लेकिन तुम सब निश्चित रहो, हम कुछ ना कुछ जल्द करेंगे और उस कातिल को जल्द से जल्द जेल के अंदर डालेंगे। तुम सब घर जाओ। ठीक है दरोगा साहब, चलो जी। ठीक है। तल पड़े सब, बात हाथ से निकलती जा रही है। अगर हमने कातिल को जल्द से जल्द नहीं ढूंढा ना, तो ये गांव वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जय हिंद साहब। जय हिंद। ये वही जगह है जहां पर सारे मर्डर हो रहे हैं। सब यही है, यही है। सब अभी तक जितने भी मर्डर हुए हैं सारे इसी एरिया में हुए हैं। अरे यहां कुछ नहीं मिलेगा, हत्यारे ने कोई सबूत नहीं छोड़ रखे हैं यहां पे। लगता है साहब बहुत साथी रहो। गांव वालों से चलकर पूछते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। आओ जी, ये गांव में जो मर्डर हो रहे हैं इसके बारे में कुछ मालूम है? नहीं साहब, हमें कुछ मालूम नहीं। चल पड़े, पूरे गांव में पता कर लिया हमने, किसी को कुछ मालूम नहीं। ना जाने ये हत्याएं कौन कर रहा है। चलो थाने। चाचा, तुमने सुना है बिटोले की तरफ फिर एक हत्या हो गई है? हाँ बेटा, सुना तो है। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे गांव में, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब तो भगवान ही मालिक है, जो करेगा भगवान ही करेगा। अब तो ताऊ जी, जो गांव में हत्याएं हो रही है ना, हमें लगता है ये उसी राक्षस का काम है जिसे हमने मारा था। सही कह रहे हैं, उसकी आत्मा आ गई है गांव में। यार पुनीत, गांव में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है आखिर ये कत्ल कर कौन रहा है, कौन ये सब हत्याएं कर रहा है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, पता नहीं चल पा रहा कौन कर रहा है, किसका हाथ है इसके पीछे। मुझे लगता है पुनीत,
हमें उसी जगह पर जाकर तहकीकात करनी होगी ताकि कोई सबूत हमें मिल जाए। सही कह रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए। चल बोले भाई, गांव में पता नहीं क्यों हत्याएं हो रही हैं। अरे मैं सबको समझा रहा हूँ, ये हत्याएं वही कर रहा है जिसे हमने मारा था राक्षस को। भाई ये सही बोल रहा है, वही कर रहा है। इधर आओ। बेटा ये जो गांव में हत्याएं हो रही हैं, इसके बारे में कुछ मालूम है? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। चलो देखते हैं पुनीत। पुनीत, हाँ सारे मर्डर इसी जगह इसी एरिया में हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है कौन कर रहा है ये सब। हाँ भाई सही कह रहा है तू, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। यार ये बहुत परेशानी वाली बात है, अगर यही चलता रहा तो हमारा गांव तो बर्बाद हो जाएगा। पुलिस कंप्लेंट भी हो चुकी है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, दिमाग खराब हो रखा है। मैंने तुझसे बोला था ना पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम दोनों को ही मिलके कुछ करना होगा। सही कह रहा है तू, अब चलकर गांव में देखते हैं। साहब आप कैसे परेशान दिख रहे हो? कल पड़े गांव में आज भी एक हत्या हो चुकी है, ना जाने कातिल कहां खुला घूम रहा है। अगर साहब हमने कुछ नहीं किया तो गांव वाले हमारे खिलाफ बगावत में उतर आएंगे। कल पड़े यही तो परेशानी वाली बात है, अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो गांव वाले हमारा खून चूस जाएंगे। ऊपर से कितना प्रेशर हम पर पड़ा हुआ है। पुनीत आज फिर मर्डर हो गया है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कातिल कौन है, कौन ये सब कर रहा है। यार सब कुछ हमारी समझ से बाहर है बिल्कुल, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। धीरे धीरे ऐसे तो गांव खत्म हो जाएगा। पुनीत मुझे लगता है ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये कोई इंसान है हमारे गांव में जो मर्डर कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है पुनीत। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? लेकिन उसके लिए हमें पुलिस के पास जाना होगा और पुलिस की मदद लेनी होगी। दरोगा साहब आज फिर हत्या हो गई है हमारे गांव में और आप यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। दरोगा साहब ऐसा कब तक चलेगा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ दरोगा साहब, हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। मुझे पता है दरोगा साहब आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा गांव शमशान बन चुका है, ऐसा कब तक चलेगा आखिर? वो छोटे छोटे बच्चे उनकी माए बिलक बिलक कर मर रही है। दरोगा साहब कुछ करो प्लीज, कुछ करो दरोगा साहब। पूरा गांव परेशान है, पता है काफी दिनों से कोई सो भी नहीं पाया है। सर प्लीज आपको जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। एक भी बच्चा एक भी इंसान इस गांव में नहीं बचेगा। प्लीज साहब कुछ करो, दरोगा साहब कुछ करो। कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई हत्यारा हमारे हाथ नहीं लग पाया। दरोगा साहब हमारे पास एक आइडिया है,
लेकिन उस सब में हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? नौ बज गए पूरे, हथियारों को आने का यही टाइम है। ओके ओके। रुको, यहीं रुको, निकाल खंजर, निकाल इसकी किडनी। निकल, पकड़ इन्हें, पकड़ दबा यहीं पर। खड़ो जल्दी, हाँ खड़ो खड़ो। हरामी साले, उतारो फोन मास इनका। अबे हटा, उतार इसका, छोड़ साले, हट। अनुज भूरे, भूरे अलपड़े, मैं क्या कहता था, कोई ना कोई हत्यारा ग्रामीण ही है और वो ही निकला। साहब मुझे पहले ही शक था, ये कोई आत्मा वात्मा नहीं, हमारे गांव के आदमी कर रहे हैं। साहब सालों को जेल में डालो। नहीं, पहले इनसे पूछने तो दो, इन्होंने बच्चों की हत्या क्यों की। बोलो बे सालों, क्यों किया तुमने ऐसा? साहब जब गांव वालों ने शैतान को मारा था तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया था। आइडिया? कैसा आइडिया? जब वो शैतान मरा तो हम गांव गांव जाते थे और ताऊ जी, जो गांव में हत्याएं हो रही है ना, हमें लगता है ये उसी राक्षस का काम है जिसे हमने मारा था। सही कह रहे हैं, उसकी आत्मा आ गई है गांव में। अरे मैं सबको समझा रहा हूँ, ये हत्या वही कर रहा है जिसे हमने मारा था राक्षस को। तो तुम लोगों ने गुनाह किया है, इतना बड़ा गुनाह कि भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। उस शैतान की आड़ में तुमने छोटे छोटे मासूम बच्चों की किडनी बेचकर उनका धंधा किया। ले चलो सालों को इन्हें। चल चल, चलो चल साले।